देश भर की सियासत में भूचाल लाने वाले कठुआ कांड के चार आरोपी विशाल, साहिल, सचिन, नीरज बीएससी एग्रीकल्चर परीक्षा में फेल हो गए हैं। दरअसल ये चारों आरोपी मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय से संबंध मुजफ्फरनगर के आकांक्षा कॉलेज से बीएससी एग्रीकल्चर कर रहे थे। वहीं इनका खतौली के जैन कॉलेज में परीक्षा केंद्र पड़ा था। वहीं कठुआ कांड में इनका नाम सामने आने के बाद ये बात भी सामने आई कि आरोपियों की जगह परीक्षा में दूसरे युवक बैठे थे। हालांकि इस बात की एसआईटी जांच कर रही है। चार आरोपी के नाम बताए जा रहे हैं, तो उसमें ये चारों ही बच्चे जो हैं, आरोपी जो हैं, वो फेल हैं। कौन कौन से सब्जेक्टों में फेल? ये तो 193 कोड है उसमें फेल है, 192 कोड है उसमें भी फेल है, और अलग अलग कोडों में भी फेल हैं। समान में नहीं है फेल, अलग अलग कोडों में फेल हैं। 11 तारीख को कौन से उसका एग्ज़ाम था? 11 तारीख को इनका एनवायरमेंटल स्टडी और उसका जो सब्जेक्ट कोड होता है वो 008 की परीक्षा थी 11 तारीख। उसके क्या रिजल्ट रहा इनका? उसमें तो ये सारे बच्चे पास हैं। 008 कोड में चारों बच्चे पास हैं। खास बात ये है कि जिस दिन की ये घटना बताई जा रही है उस दिन की परीक्षा में ये सब पास हैं। हालांकि ओवरऑल रिजल्ट में सभी आरोपी फेल हैं। फिलहाल मामले की गंभीरता को देखते हुए मेरठ के चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय प्रशासन ने 3 सदस्य जांच कमेटी बना दी है। पंजाब के केसरी टीवी के लिए मेरठ से आदिल रहमान की रिपोर्ट।